आदित्य मार्गम, मैं लगभग 15 साल से यहाँ पर मेंबर हूँ जी। और वैसे तो 1960 से मैं यहाँ पे एग्जिबिशन आ रहा हूँ, लेकिन मेंबर के हैसियत से मैं यहाँ पे 15 साल से सर्विस कर रहा हूँ। वैसे तो एग्जिबिशन के कायदे कानून लगभग यूनिफॉर्म रहे हैं 15 साल से। एक तो क्या है, स्टॉल होल्डर्स के कंफर्ट, स्टॉल होल्डर्स के जो वेलफेयर है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। शुरू से आज तक स्टॉल होल्डर्स के कन्वीनियंस, कंफर्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ चेंज नहीं है। हमारी यही कोशिश रही कि हर एक स्टॉल होल्डर को सही तरीके से बिजनेस करने का मौका मिले और हर विजिटर को, हर किसी स्टॉल को विजिट करने का जो है सहूलत मिल जाए, यही कोशिश रही। और 15 साल से बाहर में तो बहुत से चेंजेस आए हैं, रोड्स बड़े हो गए, ट्रैफिक बढ़ गई है और विजिटर्स में तो कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमेशा 22 लाख से लेकर 25 लाख तक विजिटर्स सालों साल आते रहे हैं, तो उनके कन्वीनियंस के वास्ते हर एक साल हम लोग एग्जीबिशन को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अभी इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आई है तो देखिए, एक तो ये एग्जीबिशन के ग्राउंड्स में पहले मट्टी के गलियाँ हुआ करते थे और उस पर म्यूनसिपैलिटी के ट्रक्स आके पानी फहरा के जाते थे। अब पानी की कमी होने की वजह से और डस्ट ज़्यादा उठने की वजह से वो गलियों में हम टाइल्स बिछा दिए। इसका खर्चा हुआ है, इसमें बहुत मेहनत लगी है, फिर भी सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी के तरफ से इस काम के वास्ते पूरी तरह का सपोर्ट और अप्रूवल और सपोर्ट दिया है। स्टेटस के हिसाब से तो ये लाइफ मेंबरशिप है जी। अब जैसे जैसे मेंबर्स सीनियर्स हो जाते हैं तो उनको सीनियरिटी की स्टेटस दिया जाता है, मेंबर्स तो रहते हैं लेकिन उनको कोई एक्टिव ड्यूटी नहीं दिया जाता, उनसे सलाह मशवरा के चल लेके चल रहे विजिटर्स से किस तरह का रिस्पांस आया दिए अगर दिए शी देखिए पंप चेसन साल पर साल तो हम लोग विजिटर्स को अनकार ले तरह तरह के कन्वीनियंसेस लेन हो सहूलतें देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि पहले टिकट विजिटर्स आने के जो है टिकट घर से शुरू होता है उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस लेने का, तो टिकट घर के पास पहले हुआ करता था कि दीवार में एक छोटी सी खिड़की होती थी, एक खिड़की में से पैसे अंदर पैसे हाथ लगा देते थे, तो हाथ में एक टिकट थाम के मेरे घर के। जी वी रंगा रेड्डी, 14 ईयर से यहाँ काम कर रहे हैं एज ए मेंबर। आई एम रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रॉपर्टी गार्डन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस साल में बहुत चेंजेस आया, हमारा डायनेमिक सेक्रेटरी है, very very nice, very smoothly it is going on. It is, I am appreciating my secretary, really I am telling you, not boosting or anything, I am by honest, is doing very well job. Definitely we may continue one more year, there is no problem for us. Definitely bhai work dekhna koi kahe to work, what is going on today itna smooth ab tak once nahi, bahut acha hai na bhai. As per last year, it is more public as per the records, I am not telling anything, it is recorded. Visitors are, as per the last year, it is 20,000, I think, more than 20,000, as on today. They are coming regularly, they are all old visitors, naya koi aate honge bahar se bhi, coming to the exhibition and they are following their rules and regulations, and they are maintaining the discipline, they are quite doing the very well. मेरा नाम रामदेव है, मैं यहाँ का मेंबर हूँ और मैं शायद 50 साल से इस नुमाइश से वास्ता है और ये तो नुमाइश आप जानते हैं कि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है,
ये बहुत बड़ा सर्विस एजुकेशन में कर रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा एजुकेशन से केवल नॉन प्रॉफिट आइडिया से हम चला रहे हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज प्रमोशन या ट्रेड प्रमोशन और ऐसी एक्टिविटीज़ को भी हम इंकरेज कर रहे हैं कि हम इससे पहले जो टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, ये पब्लिसिटी के एंगल से ज़्यादा नहीं हुआ, मगर आज तो हर कोना दुनिया में कहीं से भी अगर नुमाइश को देखना चाहते हैं तो ये सहूलत हम कर चुके हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं लाइव शो जो भी हो रहा है हमारे पंडाल में एग्जीबिशन में, वो 99 टीवी पे लाइव शो भी आ रहा है। ऐसा जो है ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से काफ़ी तजुर्बा टिकट के एंगल से, सिक्योरिटी के एंगल से, या इस या पोल्यूशन जो कम करने के एंगल से, कई एक्सप्लॉयटेशंस ना होना तो पब्लिक के लिए, और कई जो है ना वैरायटी आइटम्स मिलने के लिए, ये सर्विस जो है ना काफ़ी सिस्टमेटिकली। और आज जो मेंबर्स आए हैं ये कई लोग जो है ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उनको तजुर्बा है, और उस तजुर्बा को इस्तेमाल करते हुए और इस एडमिनिस्ट्रेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कई इम्प्रूवमेंट्स आए हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव डन इट। इसका नाम ही जो है ऑल इंडिया, जिसमें तेलंगाना भी आता है, इसके अंदर आंध्रा भी आता है, इसके अंदर यूपी भी आता है। आप देख सकते हैं अब नहीं तो यहाँ नुमाइश में यूपी के स्टॉल रहेंगे और महाराष्ट्र के स्टॉल रहेंगे, मैसूर के स्टॉल रहेंगे, केरला के स्टॉल रहेंगे। मैं समझता हूँ ये जो आप जो बोले हैं ये आंध्रा तेलंगाना का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा एग्जीबिशन। इतने सालों से जो कर रहे हैं और इतना एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, इतना एजुकेशन भी दे रहे हैं पब्लिक के लिए, ये देखने के लिए आते, मगर कोई ऐसी फीलिंग हम नहीं समझते कि इसको इफेक्ट करेगा। मेरा नाम बाबूराव वर्मा है, मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, और जो है यहाँ पर कई सालों से तकरीबन 45-50 साल से एग्जीबिशन सोसाइटी का मेंबर रहा। मैं हंसते कभी कभी बोलता हूँ बचपन में कि आपका पता क्या है, तो पता एग्जीबिशन सोसाइटी बोलता हूँ, तो ये ताल्लुक जो है हमारा रहा है। तो उस लिहाज से, और बड़े लोग जितने भी थे, शंकर जी हैं, अली अकबर अली खान साहब हैं, जितने लोग ने अहमद अली खान साहब हैं उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पर सब लोग काम करते हैं, बिल्कुल बेलाउस खिदमत देते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई ये नहीं होता, और ये चीज़ 75 ईयर्स से जो एग्जीबिशन यहाँ शुरू हुआ, नुमाइश जाके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुमाइश माना जाता है। और हिंदुस्तान, जब भी आपने कहा कि आंध्रा तेलंगाना नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान का एक इंडस्ट्रीज़ का एक विंडो बन गया, पूरे लोग का यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, केरला से आते हैं, बंगाल से आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले भी आते हैं। तो एक विंडो बन गया है, और एक ऐसा है कि जब तक 1 जनवरी आते जो है साल होते ही हर एक आदमी हैदराबाद का नहीं बल्कि आंध्रा का कहीं भी हो तो एक मरतबा नुमाइश तो जाना चाहिए। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अब यहाँ पर जैसे पहले मुख्यमंत्री हुए तो उनका तजुर्बा यही था कि उनके ज़माने में, जवानी के ज़माने में नुमाइश जाना, नुमाइश देखना। तो ये जो है इसका हुआ है, तो ये 45 साल का नहीं बल्कि और एक जो है ये हमारे बड़े लोग सोचेंगे करेंगे कि प्रगति मैदान की तरह इसको बनाना चाहिए। प्रगति ये जब अगर ज़मीन गवर्नमेंट अपने सोसाइटी को देने के बाद तो प्रगति मैदान की तरह थ्रू आउट द ईयर हर साल उसको वो करना चाहिए, और ट्रेड सेंटर एक बनाना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह, यहाँ पर अपने जितने पैदावार हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट है यहाँ हैदराबाद का, इन
तेलंगाना का, तेलंगाना दूसरे लोगों का, तेलंगाना का ज़्यादा उस पर जोर होना चाहिए कि तेलंगाना के काफ़ी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, हैंडलूम का है, कायर का है, इसका है, टॉयस का है, जिसका है, ये सब बहुत से बन रहे हैं, निर्मल इंडस्ट्रीज है, ये बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ही जितने बन सकते हैं तेलंगाना में उसको शो करके बाहर के प्रोडक्ट को भी ये करना चाहिए, ये हमारे बड़े लोग सोचेंगे कमेटी के वाले। और ये कहना ये है कि आपने कहा कि एक सवाल तेलंगाना बनने के बाद कोई नहीं, उससे ज़्यादा वह पब्लिक आ रही है और यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनके अलावा आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, सब लोग जो है एक मरतबा तो जाना नुमाइश बोल के, ये इसकी अहमियत हो गई है। ये मेंबर्स के ऊपर रहता है, ये हर साल इलेक्शन होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एग्जीबिशन सोसाइटी का, हर साल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनता है, मैनेजिंग कमेटी, इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट्स कंटिन्यू है, कई साल वाइस प्रेसिडेंट्स शंकर जी साहब थे, कई साल वाइस प्रेसिडेंट थे, कई प्रेसिडेंट्स कंटिन्यू भी हुए, कुछ लोग एक साल रहे, कुछ लोग दो साल रहे, पर वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी समय तक थे। तो ये मानना है सेक्रेटरीज भी थे, अगर हाँ इलेक्शन जीतते हैं तो फिर से इनका रोल हो जाएगा, कोई क्या हुआ था उसमें कोई रुकावट नहीं, यानी कि मेंबर्स के हाथ में ही है, उनको वोट चाहिए, मेंबर्स अगर चाहे तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर 19 तारीख तक आए थे करोड़ 6,50,000 जिले, ये साल 6,10,000 आए, 40,000 क्यों आए बोलो तो। लास्ट ईयर आज का दिन, कल का दिन संडे था, अपने को मंडे है, अभी 24, 25, 26 तारीख के दिन हम लोग एटलीस्ट 1-2 लाख एक्सेस रहेंगे हम, तो ये सेपरेट तेलंगाना और ये होने से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। काफ़ी क्राउड अनंतपुर से आ रहे हैं, रायलसीमा से आ रहे हैं, फिर आंध्रा से आ रहे हैं, फिर कर्नाटका से आते हैं, भी इधर से इधर से, वो क्राउड जो आने का है आते रहते हैं, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये बार हम लोग एटलीस्ट 2-3 लाख जिन्हें 75 ईयर्स में रिकॉर्ड ब्रेक करना चाह रहे, क्योंकि हम लोग पहली बार होर्डिंग्स डाले कुक्कटपल्ली और कोंडापुर, मादापुर, सिकंदराबाद, मलकपेट, नामपल्ली, हर जगह होर्डिंग्स लगाए, ये होर्डिंग्स देख के भी नए लोग आने के उम्मीद है हमारे को, मेरे को 1 साल बस है, बहुत हो गए, और उन लोग जो भी बोले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बट 1 साल बस है मेरे पूरे, अगर अदर मेंबर्स को भी ये चांस मिलना और सब जने मेरे से भी अच्छा काम करेंगे बोल के ही उम्मीद करता हूँ, और मेरे से भी अच्छे लोग हैं सब, वो लोग डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे और जो भी मैं करा है उसको और आगे लेके जाएंगे वो लोग। पब्लिक का रिस्पॉन्स बोले तो पब्लिक खुद आके मेरे से बोले ये बार तो नुमाइश अलग दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पूछो तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोला आप जाके झूलों का देखो, थोड़ा भी आपको धुल नहीं है, झूलों के जगह में पूरा 10 लाख रुपए रखे टाइल्स जला दिए, और ये बार क्रॉकरी और कटलरी शॉप्स लेके जाके एक एरिया बना दिए, उधर भी पूरा फ्लोरिंग करा दिए, और पहली बार मोबाइल टॉयलेट्स लगाए हम लोग एग्जीबिशन में, ये पब्लिक की सहूलत के लिए, क्यों बोल तो एज्ड पीपल रहते हैं ये लोग, और रेगुलर टॉयलेट्स भी है, क्लीनलीनेस अच्छा लगाए, गार्डन डेवलप करे, और काफ़ी नए तरीके के स्टॉल्स आए, सोलार बेस्ड पावर सम्प आए, सोलार बेस्ड लाइटिंग आया है, LED लाइटिंग आया है, काफ़ी चीज़ें नए दिख रही है ये बार मेरे को भी। सर VIP का बात ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है एंट्रीज के लिए, पासेस हो या हो, उसकी फैसिलिटीज के लिए क्या कर रहे हो? मैं एक ही चीज़ नहीं दे रहा हूँ VIPs को, कार पास, इसके अलावा जो भी पूछे सब दे रहा हूँ, बट अभी हमको तो फिलहाल सेंट्रल वेयर हाउसिंग, स्टेट वेयर हाउसिंग अकोमोडेशन दे दिया है, उससे हमारे को 300-400 कार, 500-600 स्कूटर की सहूलियत मिली है, तो वो पासेस थोड़े VIPs को, जर्नलिस्ट को, या रिश्तेदारों को, मेम्बरों के फ्रेंड्स को, सबको दे रहे हैं, और ये फ्री पार्किंग है। नेक्स्ट ईयर तक हमारे KCR साहब जो हमारे को गिफ्ट दे के गए लैंड पट्टा कर तुम बोले, तो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों को ये पार्किंग प्रॉब्लम भी जो बाहर पब्लिक में ऑप्शन में लेके पार्किंग को ज़्यादा चार्ज कर रहे, ये नेक्स्ट ईयर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर क्यों पूछे बोलो तो बिकॉज देर वॉज एजिटेशन प्रॉब्लम्स थे,
ये रोज़ ये तेलंगाना का गड़बड़ चल रहा था, उस वास्ते 3-4 दिन अपने को बंद करना पड़ा। उसके लिए 1-2-3 दिन का एक्सटेंशन पूछे थे। ये बार तो अब तक 20 दिन में कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, हर चीज़ अच्छा चल रहा है। तो आई डोंट थिंक वी विल बी एक्सटेंडिंग एग्जीबिशन। मेरा नाम अनिल स्वरूप मिश्रा है, मैं भी सख्त ऑनररी ट्रेजर हूँ एग्जीबिशन सोसाइटी का। लेकिन मेंबर में 96 में बना सोसाइटी का, और 2007 में मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। तार रोड डाल के रखी, बिल्कुल धूल नहीं है, बड़ा प्रोफेशनल वे से हम लोग स्टॉल्स बनाए हैं। पब्लिक कन्वीनियंस है ना, विजिटर्स को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होना, उसका दिमाग में उसको इम्पोर्टेंस देते हुए इस नुमाइश को इस वक्त जितना कोशिश कर सकते कि उतनी कोशिश करके इस नुमाइश को यह मुकाम तक ले आए। कोई विजिटर से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जिससे उनको तकलीफ़ है या किसी चीज़ का उनको शिकायत है। कई विजिटर तो यहाँ तक आके बोले कि इस साल की ऐसी नुमाइश तो हम कभी देखे नहीं, काफ़ी प्रोफेशनल वे से वक्त नुमाइश आई हुई है, स्टॉल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी बनावट है इसकी, और हमारे को चलने में भी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही। तो ये सब अप्रिसिएशन हमारे को हर कॉर्नर से आया, हर कई विजिटर्स आके हमारे को बोले, और हमारी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, गेटों पे हमारे मेंबर हमेशा ठहरे हुए रहते हैं, हर चीज़ का कोई भी चीज़ की अगर थोड़ी सी भी कमी महसूस करे तो हमारे मेंबर्स वहाँ पर अटेंड करने के लिए रहते। मिसिंग चिल्ड्रन कॉर्नर में हमारे पास आज तक कोई एक लड़का या लड़की घूमी नहीं आज तक। पुलिस वालों का हमारे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस की जो खिदमत है, जिस तरह से उन लोग विजिटर्स को आने में हर चीज़ की सुविधा पहुँचा रहे, रोड पर खड़े रह के जिस तरीके से डेडिकेटेडली उन लोग काम कर रहे, हम उनके बड़े शुक्रगुजार है ट्रैफिक पुलिस के। इवन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का हम बड़े शुक्रगुजार है कि वो इतनी ज़्यादा पुलिस एग्जीबिशन में रख चुके हैं कि कहीं भी हमारे को किसी प्रकार की भी अगर तकलीफ आई तो हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट पूरा हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे उनके साथ काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है हर डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे वो म्यूनसिपल रहो चाहे वो रहो। आपका प्रेस मीडिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। ये बार का प्रेस मीडिया काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच से इस वक्त एग्जीबिशन सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिला के एग्जीबिशन सोसाइटी के हर खिदमत को हाईलाइट करते हुए इस 75वां साल जिसको हम प्लैटिनम जुबली के रूप में मना रहे हैं उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग है जिसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं पूरे प्रिंट मीडिया लेंस मीडिया दोनों के। ये देखिए, ये तो ऐसा है कि हर एक आदमी का अपना एक अप्रोच रहता है। ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब है ये इनका अप्रोच ही अलग है, वो डायनेमिक है सुने, और वो हर हिसाब के लोगों को अपने हिसाब लेके चलना चाहते हैं। सोसाइटी के अंदर कोई भी एक आदमी इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता कोई भी चीज़, और इतने बड़े पैमाने में अगर हम रन कर रहे तो इसमें हर एक इंडिविजुअल का हर एक इंडिविजुअल मेंबर का सपोर्ट ज़रूरी है। और हम लोग सब जो है एक के बाद एक पोजीशन बदलते रहते हैं हम लोग, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारे पास, और हमारे पास बड़ी टीम है सीनियर मेंबर्स की जो डिसाइड करती कि क्या करना क्या नहीं करना। इस प्रकार का एक सॉलिड फाउंडेशन जो हमारे बड़े लोग डाल के गए, उस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में हमारे सीनियर मेंबर जो इस वक्त है किस हिसाब से कौन सी जगह पे कौन से मेंबर के खिदमत ज़रूरी है वो सब देखते हुए उसका डिसीजन लेते। और ये मैं बता दूं कि हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में है, बगैर कंट्रीब्यूशन के हर मेंबर, हर कन्वीनर, हर जॉइंट कन्वीनर, हर एडवाइजर, हर सब कमेटी का फुल फ्लेच डेडिकेटेडली पूरी ताकत के साथ अपने खिदमत पूरे कर रहे इस सोसाइटी के अंदर, तभी आज ये सोसाइटी इतनी मजबूत है और आगे से आगे बढ़ते चले आ रही। जैसे कि इस बार के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एक सोशलिस्ट है, बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे उनके सोच विचार है, खिदमत करना, सोसाइटी की खिदमत करना, गरीबों की खिदमत करना, ऑर्फनेज स्कूल खोलना, ये सब इनके नए नए विजन हैं। अगर भगवान चाहा तो डेफिनेटली एक के बाद एक विजन हमारे पूरे होते जाएंगे। या 3 साल से हूँ या तो बहुत चेंजेस आ गए हैं 3 साल में। डेवलपमेंट तो है, बहुत फास्ट चल रहा है इंटीरियर का डेवलपमेंट, अपना कॉलेज का जो एफिलिएशन है
सब अपन जो बना रहे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस उस्माना ग्रेजुएट्स का, इकोनॉमिक कमेटी का और एग्जीबिशन सोसाइटी का और ये नुमाइश का जो भी है बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं। इस साल तो और भी अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और करें भी और भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पब्लिक आ रहे हैं उन लोगों को तकलीफ ना हो, उन लोगों को अच्छी तरीके से देखभाल करना और सिक्योरिटी और पूरा देखभाल करने के लिए वी आर गिविंग ऑल फैसिलिटीज। सेक्रेटरी साहब इज़ वेरी काइंड एंड बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा देखभाल कर लेते हैं ऑफिस को, ऑफिस बेयरर्स को, अपने सोसाइटी को, सब को।